बुद्धिमान कौए, तुम जरा फैसला करो तो। मैंने इस बाघ को दलदल से निकाल कर इसकी जान बचाई, अब ये मुझे ही खाना चाहता है, पर ये अन्याय है, तुम उसे बता दो। अन्याय क्यों होगा, बाघ तुम्हें खाकर धर्म का काम करेगा काम। वाह 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 वा। अच्छा न्याय किया, यही तुम्हारा न्याय है, यही तुम्हारी बुद्धि मूर्ख। मौत को देख तुम्हारी विचार बुद्धि लोप हो गई है पंडित, नहीं तो तुम सच से मुंह नहीं मोड़ते। जरा तुम्हारा सच सुनो, मुझे देखो, जहाँ जितना कूड़ा करकट होता है मैं खा लेता हूँ, इससे क्या समाज का भला नहीं होता क्या? का हम लोग मतलब कौए ना हो तो समाज रोग व्याधि से घिर जाए, कूड़ा करकट साफ कर हम झाड़ूदार का काम करते हैं का, का। और तुम लोग हमें देखते ही पत्थर से मारते हो, घर से भगा देते हो, मनहूस कौआ कहकर गालियां देते हो, तुम उपकारी को सजा देते हो, और बाघ भी वही करे तो अधर्म हुआ क्यों? काँ, काँ, काँ। अब नहीं, भूख लगी है, खाऊंगा। इस पर न्याय अन्याय धर्म अधर्म अपने पास रखो। इतना ही समझते अगर तो आदमी बन जाते। चलो अब तीसरे के पास चले। क्यों बाघ, क्यों पंडित जी, तुम एक साथ कहाँ चले, मामला क्या है बताओ तो। पंडित जी ये रहा तीसरा कोई, किसी से पूछो ना। सुनो जी सांप, तुम्हारी न्याय बुद्धि देखें, ये बाघ मुझे खाना चाहता है, जबकि मैंने इसकी जान बचाई है, उपकारी को खाना तो पाप है ना सांप? पाप क्यों होगा भला, यही तो नियम है, बाघ आदमी खाए तो क्या शाग पत्ता दूब घास खाएगा? नहीं 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 नहीं, लेकिन मैंने तो उसका उपकार किया है। उपकार क्या मैंने करते, खेती जमीन के कीड़े मकोड़े चूहे खाकर हम फसल बचाते हैं, वो फसल खाकर आदमी बचता है, बाद में हमारा उपकार भूल ही जाता है, देखते ही मारता है, विष दांत तोड़ देता है, टोकरी में बंद करता है, और कितने अत्याचार करता है आदमी। अगर वो सब पाप नहीं है तो बाघ के ये किए पाप क्यों होगा? तुमसे फैसला करवाना ही गलत हुआ, सांप को भला पाप का विचार, बकवास। पंडित जी अभी भी तुम्हारा संदेह दूर नहीं हुआ, फैसला तो हो गया, अब आओ तुम्हें खाऊंगा। ये ख्याँ ख्याँ क्या कर रहा है, अभी भी दो बाकी हैं, 10 के मत से एक का मत बड़ा भी हो सकता है अगर उसकी न्याय बुद्धि तेज हो। चलो चलो नदी के घाट की तरफ चलो। चलो पर आखिर में तुम्हें मैं खाऊंगा ही, बधाई दे रहा हूँ। से पूछो देर मत करो, भूख से पेट फैट रहा है। ओ हाड़ी जी एक बात सुनो, मैंने इस बाघ की जान बचाई है दलदल से निकाल कर, और ये कृतघ्न बाघ अब कहता है कि मुझे खाएगा। अच्छा तुम ही विचार करो, ये क्या उचित है? इसमें संदेह क्या है, बाघ का उपकार कर तुमने उसे खरीद लिया है क्या? मैं तो कितने ही लोगों का उपकार करती हूँ, लोग मुझ में पानी रखते हैं, चावल पकाते हैं,
और कितना कुछ करते हैं। अंत में इस उपकार का मुझे क्या फल मिलता है पता है? या तो आग में जल भून कर मरती हूँ, नहीं तो काम खत्म होने पर फेंक दी जाती हूँ। इसीलिए कहती हूँ, उपकार करने का फल इसी तरह भोगना पड़ता है। इसीलिए बाघ तुम्हें खा ले तो इसमें हैरान होने का क्या है? अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आओ अब तुम्हारी गर्दन चबाऊं। यही तुम लोगों की कमी है, थोड़ा सा भी सब्र नहीं। अब तो सिर्फ एक ही बचा है, अगर वो कहे खा लो तो मुझे भी कोई दुख नहीं होगा, तुम्हें भी कोई पाप नहीं लगेगा। ओ सियार पंडित, भागो मत, तुम डरो मत। आदमी छोड़ बाघ सियार नहीं खाएगा। तुम जरा हम लोगों का एक फैसला कर दो भाई। कैसा फैसला? दूर से ही बताओ, इस बाघ का मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तुम्हें देखकर मुझे थोड़ा भरोसा हुआ है, तुम विद्वान हो, अब तक सब मूर्खों से ही न्याय मांगा है, समझे? पंडित भूमिका छोड़ो, असली बात कहो, मुझे जरा जल्दी है। सुनो सियार पंडित, हुआ यूं, मैंने इस कृतक बेईमान बाघ की जान बचाई है। ये दलदल में फंसा मर रहा था समझे, अब जान बचाने के बाद मुझे ही खाना चाहता है, जबकि उसने वचन दिया था कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये क्या वादा खिलाफी नहीं? ये क्या न्याय नहीं? तो तुम ही फैसला करो। क्यों बाघ, तुमने वचन नहीं दिया था कि मुझे मारोगे नहीं? मगर उससे क्या, बात रखने जाऊं तो ठगा जाऊंगा, बिना खाए मरना होगा। बात की कीमत से मेरे लिए अपनी जान की कीमत कहीं ज्यादा है। तुम लोग की बात मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, और फैसला करने के लिए पहले स्थान, काल, पात्र का विचार करना होगा। तो ये घटना कहाँ घटी थी? वो उधर एक गंदा दलदली तालाब है, वहीं पर। मुझे अगर वहाँ ले जा सको तो न्याय करने में सुविधा होगी। ठीक है, जल्दी चलो, वहीं चले, भूख की ज्वाला और नहीं सही जा रही। बाघ आगे, ब्राह्मण बीच में और सियार पीछे, इस तरह वो लोग उस तालाब किनारे पहुंचे। क्यों बाघ मामा, तुम कहाँ फंसे थे? दिखाओ तो। यहाँ पर, इस जगह मैं फंसा था। ठीक, जिस जगह से पंडित जी ने तुम्हें निकाला था वो जगह दिखाओ। क्यों पंडित जी, बाघ यही फंसा था? नहीं, लगता है थोड़ा आगे और थोड़ी दूर। सुनो बाघ मामा, चालाकी मत करो, फैसले में देरी होने से तुम्हारा ही नुकसान है। तुम थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, और थोड़ा आगे। हाँ, ठीक उसी जगह से मैंने बाघ को निकाला था, टांग खींच कर बहुत कष्ट से उठाया था इसे। क्यों, बाघ खुद नहीं उठ सकता था? भाई बाघ जी, तुम खुद निकलने की कोशिश करो तो। ये देखो, मैं कोशिश करके भी नहीं उठ पा रहा, अब अपना फैसला दो जल्दी से। अरे भाई, दलदल के अंदर धसा जा रहा हूँ मैं। धस रहे हो, बढ़िया है, बढ़िया, खुशी की बात है। पंडित जी, अब चंपत हो जाओ, मैं भी भागूं। ये बाघ बेटा जैसा दुष्ट है वैसा ही फंस पाए, दलदल में धस कर मर जाए। बचाओ, ये कैसा न्याय हुआ? मैं धसा जा रहा हूँ। ओ पंडित जी, अब मैं सच्चा वचन देता हूँ तुम्हें खाऊंगा नहीं, मुझे बचा 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 बचा। चिल्लाओ चिल्लाओ।
आप जितना चाहे चिल्लाओ, तुम्हारी बात पर कान नहीं दूंगा। अच्छा समक मिला मुझे, अब ऐसी भूल मैं नहीं करूंगा। धन्यवाद सियार पंडित, तुम्हें मरते दम तक याद रखूंगा। ये कहकर ब्राह्मण और सियार चंपत हो गए और बेवकूफ बाघ छटपटाता हुआ धीरे धीरे धसने लगा।